बिरयानी का नाम सुनते ही आपके चेहरे पे भी एक ऐसी बड़ी सी मुस्कान आ जाती होगी। तो जनाब आज आपको मैं एक ख़ास बिरयानी ट्राई कराऊंगा, दिल्ली वाली बिरयानी पटना में, और ये किसी रेस्टोरेंट में नहीं है, किसी बड़े ब्रांड की नहीं है, ये है खुले आसमान के नीचे की बिरयानी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। अब आप रेट सुन के ये मत सोचिए कि बिरयानी सस्ती है तो अच्छी नहीं होगी, आपको आगे दिखाता हूँ, टेस्ट भी बताऊँगा, तो बने रहिए पूरी वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बिरयानी की तरफ। लोकेशन की बात करें तो ये बोरिंग कनाल रोड है, और बोरिंग कनाल रोड से जब आप राजा पुल की तरफ जाएंगे, ये सामने उधर राजा पुल है, तो आपको बीच में मैक्स का शोरूम पड़ेगा और बिग बाज़ार का एक फैशन बिग बाज़ार है, तो बस उसके ऑपोजिट, रोड के ऑपोजिट साइड में आपको दिल्ली दरबार चिकन बिरयानी मिल जाएगी। तभी हमारे साथ इमरान साहब है, दिल्ली दरबार चिकन जो बिरयानी शॉप है उसके ओनर है, तो इनसे कुछ सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं इनके से। पहले तो आप ये बताइए कब से है ये दुकान? ये हमारी दो महीने हो जाएंगे, दो फरवरी को। दो महीने पटना में और भी कोई है या? पटना में हमारा छोटा भाई है, जद्दपथ में दुकान है। एक और दुकान है जगदेवपथ जगदेवपथ में। अच्छा, बिहार से बाहर? दिल्ली में भी है? दिल्ली में शॉप है। अच्छा, दिल्ली में, वहाँ से फिर यहाँ आए हैं। आप क्या क्या आइटम क्या क्या हैं अभी? हम चिकन बिरयानी हैदराबादी बना रहे हैं, चिकन मुरादाबादी बिरयानी है, चिकन कौरमा बना रहे हैं। अच्छा, अभी ये तीन आइटम बना रहे हैं। एक स्पाइसी होता है, एक नॉर्मल होता है, हैदराबादी स्पाइसी होता है, मुरादाबादी नॉर्मल होता है। जी सर। अच्छा जी, और ये बताइए कि स्विगी जोमेटो? अभी स्विगी जोमेटो से नहीं, हम खुद की डिलीवरी कर रहे हैं हम लोग। खुद की डिलीवरी? कैसे डिलीवरी के लिए क्या करना होगा? नंबर बांट रखे हैं हमने, उनसे कॉल आती है तो हम खुद की डिलीवरी करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सर। समय क्या है? समय हमारा सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक रहता है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, ये हैदराबादी बिरयानी और मुरादाबादी बिरयानी है तो आप बहुत लोग बनाते हैं, तो आप अलग कैसे बना रहे हैं, क्या है डिफरेंट? हम लोग दिल्ली के चावल यूज़ करते हैं, जो हैदराबादी होता है वो सेलर रहता है, जो मुरादाबादी रहता है वो रानी साहिबा या गोरी यूज करते हैं हम लोग। अभी दिल्ली से यूज कर रहे हैं चावल हम सब लोग। अच्छा, चावल आप लोकल नहीं मंगा रहे, चावल बाहर से मंगा रहे? दिल्ली का यूज करते हैं। बहुत अच्छा, मतलब यही है डिफरेंट है आपकी बिरयानी को अलग करता है। एक स्पाइसी होता है, एक नॉर्मल होता है, एक खड़े मसाले से बनती है, एक खड़े मसाले से बनती है, एक नॉर्मल मसाले से बनती है, पिसे मसाले से बनती है। ये बताइए मुझे बिरयानी का रेट क्या है आपके यहाँ? बिरयानी 100 रुपये का आधा के जी है, 200 रुपये का एक के जी है, 200 रुपये में 8 पीस आएंगे, 100 रुपये में 4 पीस आएंगे, क्वार्टर में 250 ग्राम आती है, 50 रुपये का उसमें 2 पीस आएंगे। अच्छा, 50 रुपये की भी बिरयानी है? 2 पीस आते हैं, 2 पीस आते हैं उसमें। चलिए बहुत अच्छा, तो अब रेट जान लिया हमने, सारे क्या क्या ये बनाते हैं वो भी जान लिया, तो अब चलते हैं बिरयानी का लुफ्त उठाते हैं अंदर। तो जनाब बिरयानी आ गई है गरम गरम, और क्या खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। और दोनों बिरयानी हमने मंगा ली है, ये है हैदराबादी चिकन बिरयानी और ये वाली है मुरादाबादी चिकन बिरयानी। इसका कलर आप देख सकते हैं हल्का है, और क्योंकि इसमें मसाले कम इस्तेमाल हुए हैं, इसका कलर डार्क है, हार्ड है, क्योंकि इसमें मसाले ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, इसमें पिसे हुए मसाले इस्तेमाल हुए थे और ये खड़े मसाले से बना है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये हैदराबादी बिरयानी ट्राई करके दिखाता हूँ। पहले चावल दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये देखिए कितना बिल्कुल खिले खिले से चावल है, ठीक है, और ये बढ़िया सा एक चिकन का पीस है। पता है क्या हुआ, इसका स्वाद मुंह में जाते ही मैं पूरा दिल्ली में पहुंच गया था, जो मेरे पुराने दिन थे दिल्ली में जब मैं वहाँ रहता था, जिस स्वाद की बिरयानी वहाँ पे मुझे मिलती थी एकदम बिल्कुल वैसा ही है। तीखा है, स्पाइसी है, और जो चावल हैं, चावल का जो स्वाद है एकदम, मुझे बस वो कहते हैं ना टाइम ट्रैवल हो गया और मैं बस पहुंच गया दिल्ली। बहुत ही उम्दा, बहुत सुंदर। ये एक चिकन का मैं पीस आपको दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल आराम से जूसी है, पक गया है, और ये देखिए वाह, मज़ा आ गया साहब, मतलब पुराने दिन याद आ गए यार। आहा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, और मुरादाबादी बिरयानी हमारी ठंडी हो रही है,
इसका स्वाद लिया जाए। ये एकदम अलग टेस्ट होता है इसका भी, और बहुत ही लाइट होता है। मैं थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा मेरे क्लोजअप लेके आए, मैं चावल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये आप चावल देख रहे हैं, कितना अच्छा खिला खिला सा चावल है। और इसमें ये मिर्चें काफ़ी सारी इस्तेमाल की गई हैं, ये देखिए। और ये देखिए खड़े मसाले भी दिख रहे हैं, ठीक है। अब मिर्चियों को थोड़ा साइड किया जाए और इस बिरयानी का टेस्ट मैं आपको लेके बताता हूँ। ये थोड़े से मैं चावल, वाह ओह ओह मज़ा आ गया साहब, इसका टेस्ट इससे ज़्यादा बेहतर है। वाह, एकदम लाइट। अगर आप मसाले नहीं पसंद करते, तीखा नहीं पसंद है, तो आपके लिए तो बेस्ट है। मज़ा आ गया। ये मटन आ हा हा हा, क्या जूसी मटन है। आ हा हा, ये देखिए, वाह 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 वाह, ओहो, अरे बहुत समय के बाद मुझे ऐसी उम्दा बिरयानी मिली है, मज़ा आ गया। आप भी ज़रूर आइएगा यहाँ, एक बार ज़रूर आइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको बिरयानी कैसी लगी। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत दिनों के बाद एक ऐसी ऑथेंटिक दिल्ली वाली, वैसे तो बिरयानी का कोई ये नहीं कह सकते कि यही ऑथेंटिक है, कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, लेकिन दिल्ली वाली बिरयानी बहुत समय बाद, आ मज़ा आ गया। मैं खाता हूँ, आप वीडियो देखिए। कब से खा रहे हैं भैया आप यहाँ? तकरीबन हो गया, जब से ओपनिंग हुआ तब से खा रहे हैं, जब से ओपनिंग हुआ तभी से खा रहे हैं। तब से खा रहे हैं, कैसा लगता है यहाँ पे? बढ़िया है यहाँ, बेस्ट है। और स्वादिष्ट है। ये आप क्या खा रहे, कौन सा बिरयानी लिया आपने? ये हैदराबाद, हैदराबादी बिरयानी। आपको हैदराबादी मुरादाबादी भी आपने ट्राई किया है क्या? ट्राई किया है, दोनों का। दोनों में से कौन ज्यादा पसंद आता है? हैदराबादी ज्यादा पसंद आया, स्पाइसी है, थोड़ा टेस्टी लगता है। चलिए, अच्छा दिल्ली में भी खाए हैं क्या आप इस तरह का? अच्छा, इस ऐसा टेस्ट और कोई पटना में किसी और के पास? ना अभी तक तो नहीं देखा, और किसी के पास ऐसा टेस्ट नहीं मिला, ऐसा टेस्ट नहीं है, हैदराबादी नहीं खिलाते हैं ऐसा। इमरान भाई, बिरयानी बहुत ही उम्दा थी, बहुत ज़बरदस्त बिरयानी थी, और मुझे ये आपकी मुरादाबादी बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगी, ठीक है। और आपने पूरा बना वो दिल्ली वाला स्वाद मेरे को याद दिला दिया, जो दिल्ली में कभी हम खाया करते थे, पूरे वो वाले दिन याद आ गए। तो एनीवेज, आपको भी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपका भी एक बार यहाँ आके बिरयानी खाना बनता है तो ज़रूर आइए दिल्ली दरबार चिकन बिरयानी। और लोकेशन मैंने आपको बता दी है कि बोरिंग कनाल रोड में है, ये मैक्स के ठीक अपोजिट साइड में। खाइए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि भाई आपको बिरयानी कैसी लगी। तो तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए।